असलम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस, और फिर उसके हम जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं। गॉटफ्राइड विलम लेबनीज इन्वेंटेड द टर्म फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की टर्म किसने इन्वेंट की थी? गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने। पॉइंट नंबर 2 है आपके पास, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ फंक्शन, देन एक्स इज कॉल्ड द डोमेन एंड वाई इज कॉल्ड द रेंज। फंक्शन में जो आपका पहले सेट होता है वो आपकी डोमेन होती है, और पहले सेट के एलिमेंट्स जिस दूसरे सेट के जिन एलिमेंट्स पे मैप हो रहे होते हैं वो आपकी रेंज होती है। ठीक है, हालांकि दूसरा सेट पूरा आपकी रेंज नहीं है, पहले सेट के जो एलिमेंट्स दूसरे सेट के ऊपर मैप हो रहे हैं वो वाले सारे एलिमेंट्स आपकी रेंज कहलाती है। और अगर आप खाली दूसरे सेट की बात करें तो दूसरा सेट आपकी कोडोमेन होती है। If the range of a function is a set of real numbers, अगर आपके पास function की range है वो real numbers का set हो, then the function is said to be real valued. तो उस function को आप क्या कहते हो? कि वो आपके पास real valued function है। Real valued function आपके पास ऐसा function है जिसकी range आपके पास set of real numbers हो। ठीक है, next है जी, if the range of function is equals to set B, यानी कि अगर function की range आपके दूसरे set के बराबर आ जाए, then function is called onto or surjective. तो फिर आप अपने फंक्शन को कहते हो ऑन टू है या सब्जेक्टिव है। ऑन टू का ही आपके पास दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है कि अगर रेंज फंक्शन की सेट बी के बराबर होगी तो फंक्शन आपका ऑन टू है। अगर रेंज फंक्शन की सेट बी के बराबर ना हो, यानी कि रेंज फंक्शन की सबसेट हो सेट बी का, तब आपके पास फंक्शन कहलाता है इन टू फंक्शन। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन सच दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस अंडर एफ, देन एफ इज कॉल्ड इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपके पास वो था जिसमें रेंज आपकी सेट बी के बराबर हो। ठीक है, इन टू फंक्शन वो है जिसमें रेंज सेट बी का सबसेट हो। वन टू वन फंक्शन आपके पास वो है जिसमें रेंज की रेपिटेशन ही ना हो, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हो वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन को आप ऐसे भी लिखते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स आपके पास इक्वल नहीं है तो उनकी रेंज, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन भी आपके पास इक्वल नहीं होगा एफ ऑफ एक्स टू के। और अगर दो फंक्शंस आपके पास इक्वल है सेम पॉइंट पे, तो इसका मतलब आपके वो पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। ये भी आपके वन टू वन को ही रिप्रेजेंट करता है। आई डोंट नो कि आपके पास फंक्शंस का कितना कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको कोशिश करती हूँ कि समझा सकूं। लेट सपोज कि यहाँ पर आपके पास ए सेट जो है वो आपके पास है 1 2 3, बी सेट आपके पास है 1 2 1 2 4। ठीक है, मैं कहती हूँ सेट ए का 1 जो है वो आपके पास मैप करता है सेट बी के 2 पर, सेट ए का 2 जो है वो आपके मैप करता है सेट बी के 4 पर। यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर लें, सेट बी का 3 जो है आपके पास वो मैप करता है आपके सेट बी के 6 पर। तो ये 1 2 3 आपकी डोमेन है, 2 4 6 आपकी रेंज है। तो आप यहां से देख रहे हो कि आपकी रेंज जो है वो सिर्फ 2 4 6 है, और ये सेट बी के बराबर नहीं है। इट इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। इट मींस कि रेंज आपके पास सबसेट आ रही है सेट बी का। तो ये जो फंक्शन है ये आपके पास इन टू फंक्शन है। ठीक है, और अगर मैं ऑन टू की बात करूं, ऑन टू की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहती हूं आप एक एलिमेंट एक सेट ले लें 1 2 3, दूसरा आप ले लें 2 4 6। सेट ए का एक एलिमेंट 2 पे मैप कर रहा है, दूसरा एलिमेंट आपका 4 पे मैप कर रहा है, तीसरा एलिमेंट 6 पे मैप कर रहा है। तो यहां पर आप देखो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, और रेंज आपकी पूरी की पूरी कंज्यूम हो रही है। ठीक है,
सेट बी आपका पूरा का पूरा कंज्यूम भी हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा सेट बी यूज हो रहा है, पूरा का पूरा सेट बी यूज हो रहा है, और हर एलिमेंट का एक एक इमेज है, यूनिक यूनिक इमेज है आपके पास। तो ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि वो फंक्शन जिसमें आपकी रेंज सेट बी के बराबर आ जाए वो ऑन टू होता है, ठीक है, ये ऑन टू भी है, ये फंक्शन वन टू वन होने के साथ ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें आपकी जो रेंज है वो सेट बी के बराबर है, रेंज आपकी सेट बी के बराबर आ रही है, दिस इज योर रेंज और यही आपका सेट बी है। तो अगर रेंज आपकी सेट बी के बराबर आ रही है तो ये ऑन टू भी है, लेकिन ये वन टू वन भी है, क्योंकि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि वन मेरे पास मैप कर रहा है टू पर, टू भी मेरे पास मैप कर रहा है टू पर, वन मेरे पास मैप कर रहा है हो गया, टू भी हो गया, और थ्री मेरे पास मैप कर रहा है फोर पर, अब अगर आप देखो आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 2 4, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4। यहाँ पे आप देखो मैं कब 1 भी मैप कर रहा है 2 पर, 2 भी मैप कर रहा है 2 पर, और 3 मेरा मैप कर रहा है 4 पर। अभी भी आप देखो आपकी रेंज 2 और 4 ही है, रेंज 2 और 4 ही है, और रेंज सेट बी के बराबर भी है, लेकिन अब की बार ये सिर्फ आपके पास ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि वन टू वन में तो आपके पास ये होता है कि ना रेंज रिपीट हो ना आपकी डोमेन रिपीट हो, वन टू वन में तो हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ वन का इमेज भी टू है, टू का इमेज भी टू है, तो ये वन टू वन नहीं है लेकिन ये ऑन टू है। अब आपको समझ आया वन टू वन और ऑन टू में डिफरेंस? वन टू वन में आपके पास हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, लेकिन ऑन टू में जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहती हूँ कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7, ठीक है, और मैं कहती हूँ 1 मैप कर रहा है 2 पर, 2 मैप कर रहा है 4 पर, 3 मैप कर रहा है 6 पर, और यहां पर 7 बचता है जो किसी पे भी, जिसमें कोई एलिमेंट भी मैप नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरी रेंज सिर्फ 2 4 6 आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट मैप नहीं कर रहा ना, रेंज मेरी सिर्फ 2 4 6 है, तो यहां मेरी रेंज सबसेट है सेट बी का, ये इनटू हो गया क्योंकि रेंज सबसेट है सेट बी का, ठीक है। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखो हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज जहां पर भी है इसका मतलब है वो साथ ही साथ 1 2 1 भी है। तो ऐसा फंक्शन जो इनटू और 1 2 1 दोनों हो, ऐसा फंक्शन जो इनटू और 1 2 1 दोनों हो उसको आप कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और यहां पर मैंने क्या बात की है कि अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के, यानी कि x1 आपका 1 है और x2 आपका 2 है, x1 आपका 1 है और x2 आपका 2 है, तो f(x1) का मतलब है 1 मैप जिस पे हो रहा है ना वो आपका f(x1) है, 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, ये आपका f(x1) है, ठीक है, ये f(x1) है, और f(x2) फिर आपके पास 4 है। तो अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है ना, अगर ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हैं, तो आपके फिर पास इमेज भी डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर आप 1 2 1 की बात करते हो, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की आप बात करते हैं ना, तो उसके इमेजेस हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं आपके 1 2 1 में, ठीक है। और अगर आप इमेजेस की बात करते हो कि दो इमेजेस सेम है, अगर दो फंक्शंस के इमेजेस सेम है ना, इसका मतलब वो दोनों भी सेम होंगे, क्योंकि 1 2 1 में तो आपके पास एक एलिमेंट का सेम इमेज हो ही नहीं सकता, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम इमेजेस हो ही नहीं सकते। अगर दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स खुद एक ही चीज है, ठीक है। तो ये इसी बात को घुमा फिरा के उन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास 1 2 1 फंक्शन ही है। फिर सुन ले, रेंज अगर सेट बी के बराबर ना हो इनटू,
अगर सेट बी के बराबर ना होने के साथ साथ हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो वो वन टू वन भी साथ ही है और इन टू और वन टू वन आपके पास इंजेक्टिव होते हैं। उसके बाद ऑन टू फंक्शन आपके पास वो होता है जिसमें हर एलिमेंट का ऑन टू फंक्शन आपके पास वो होता है जिसमें रेंज सेट बी के बराबर हो, रेंज सेट बी के बराबर हो, एलिमेंट्स के इमेज रिपीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ वन का इमेज भी टू है, टू का इमेज भी टू है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सेट बी दिया हुआ था सिर्फ टू और फोर, वन का इमेज भी टू है, टू का इमेज भी टू है, थ्री का इमेज फोर है, तो ये वन का आंसर भी टू है, टू का आंसर भी टू है, ठीक है। इमेजेस मेरे सेम नहीं है, अब हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज नहीं मिल रहा, तो ये वन टू वन नहीं है, ये सिर्फ ऑन टू है, ठीक है। और ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू हो, वो उसकी एग्जांपल आपके पास है कि अगर सेट बी में आपके पास टू फोर सिक्स है और वन मैप कर रहा है टू पर, टू मैप कर रहा है फोर पर, थ्री मैप कर रहा है सिक्स पर, तो यहां आपकी रेंज आपके सेट बी के बराबर भी आ रही है और हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज भी है, तो ये ऑन टू भी है आपके पास और वन टू वन भी है। और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू और वन टू वन दोनों, वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। यहाँ पर मैं की पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, मैं इसको इतना ज्यादा डिटेल से नहीं समझा सकती क्योंकि इसकी मेन रीजन ये है कि यहाँ पर मेरे पास ड्रॉ करके फंक्शन दिखाने के लिए टूल नहीं है कोई। एक लेक्चर है मेरा फंक्शंस के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, उसमें डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज के भी कॉन्सेप्ट है और साथ ऑन टू, वन टू वन और इन टू जो है उसके भी आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने दी हुई है। आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। रेंज सेट बी के बराबर ना हो तो इन टू, अगर रेंज सेट बी के बराबर ना होने के साथ साथ हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है तो इन टू प्लस वन टू वन, और इन टू प्लस वन टू वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अगर रेंज सेट बी के बराबर है तो ऑन टू, अगर रेंज सेट बी के बराबर होने के साथ साथ हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है आपके पास तो वो ऑन टू भी और वो वन टू वन भी, और ऑन टू और वन टू वन मिलके आपके पास बनाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। यहां पर आगे आपके पास एग्जांपल भी आने लगी है। ए उसने कहा है वन टू थ्री फोर है, बी आपके पास ए बी सी डी है, एफ फ्रॉम ए टू बी आपके पास वन टू वन होगा, अगर वन का इमेज ए है, टू का इमेज बी है, थ्री का इमेज सी है, फोर का इमेज डी है, ये वन टू वन है। आप देखो आपकी दूसरा दूसरा एलिमेंट रेंज है, ए बी सी डी आपकी रेंज है, रेंज सेट बी के बराबर चाहे नहीं आ रही, रेंज सेट बी के बराबर नहीं आ रही, अगर रेंज सेट बी के बराबर नहीं आ रही ये इंटू है, ठीक है। लेकिन इंटू होने के साथ साथ ये वन टू वन भी है। वन टू वन क्यों है, क्योंकि वन है जो सिर्फ ए पे मैप हो रहा है, टू सिर्फ बी पे मैप हो रहा है, थ्री सिर्फ सी पे मैप हो रहा है, फोर सिर्फ डी पर मैप हो रहा है, यानी कि डोमेन का भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, रेंज का भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये मेरा वन टू वन भी है। उसने सिर्फ वन टू वन पूछा तो वन टू वन तो है, वन टू वन होने के साथ साथ इंटू भी है, वो अलग बात है, और वन टू वन और इंटू मिलाकर ये इंजेक्टिव भी है, वो सारी बात की चीजें हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये वन टू वन है तो ये वन टू वन है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास यही सेट ए और यही सेट बी हो और मैपिंग इस तरह से डिफाइन हो जाए कि वन मैप कर रहा है ए पे, टू मैप कर रहा है बी पे, थ्री मैप कर रहा है डी पे और फोर मैप कर रहा है ए पे, तो ये आपके पास वन टू वन नहीं है। क्यों वन टू वन नहीं है, क्योंकि वन भी ए पे मैप कर रहा है, फोर भी ए पे मैप कर रहा है, तो यहां पर आपकी जो है रेंज रिपीट हो रही है। वन का इमेज भी ए है, फोर का इमेज भी ए है, तो हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज तो मेरे पास ना आया ना, तो फिर ये वन टू वन नहीं है। अब आप सोचो कि ये क्या है, यहां पर अगर आप देखो तो ए बी और डी आपकी रेंज में यूज हो रहे हैं, बी में ए बी सी डी ई है, ठीक है, तो आपकी रेंज सेट बी के बराबर नहीं आ रही, ये खाली इनटू है, खाली इनटू फंक्शन है, ठीक है। अ फंक्शन विच इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। और बाइजेक्टिव फंक्शन का आपके पास दूसरा नाम है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम है वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन। लेट एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन द इनवर्स फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये क्या उसने कह दिया, आपके पास लिखते हो आप वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
तो जब फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो f को इधर ले आओ, f को इधर लाओगे तो आपके पास आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो इन्वर्स फंक्शन आप ऐसे निकालते हैं, और इन्वर्स फंक्शन तब ही निकल सकता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो आप उसका फंक्शन अगर आपके पास बाइजेक्टिव नहीं है ना तो आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वर्स सिर्फ आप बाइजेक्टिव फंक्शन का ही फाइंड कर सकते हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अ फंक्शन इज ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फंक्शन ऑड होगा अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल हुआ, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हुआ, या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आ जाते हैं कि ऐसा फंक्शन जो वन टू वन और ऑन टू दोनों हो उसको क्या कहते हैं। सर्जेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, बोथ एंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये की पॉइंट्स को आपने ऐसे ही नहीं कि सुन के आप गुजार दें, इसको आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसको आप अच्छे तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। अगर आपको कहते हैं कि जी आपके पास फ्रॉम ए टू बी है और आपके पास फंक्शन ये दिया हुआ है, नीचे वो आपको कहता है कि आपके पास इनटू है, ऑन टू है, वन टू वन है, इंजेक्टिव है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये इनटू है, ये वन टू वन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना है। आपको ये वो लिख देता है और कहता है द फंक्शन इज, तो ये वन टू वन के लिए हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये भी आपसे पूछ लेगा अगर फंक्शन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे ही मैप है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, तो उस फंक्शन को आप क्या कहते हैं। अगर रेंज सेट बी के बराबर ना हो तो उसको क्या कहते हैं। अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो तो उसको क्या कहते हैं। अगर रेंज सेट बी के इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका आंसर वो खुद ही हो, यानी कि अगर आप यहां वन रखो तो आंसर वन, यहां टू रखो तो आंसर टू, यहां थ्री रखो तो आंसर थ्री, ऐसा फंक्शन आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। उसके बाद ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज एक्स। सेट x जो आपका सेट x है ना, वही आपके आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x, यहां पर a हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और वन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वन क्यों नहीं हो सकता, वन की आप जितनी मर्जी पावर ले लो आंसर वन ही होता है, इसलिए वन नहीं हो सकता। फंक्शन आपके पास ऐसा जिसमें आप यूं कह लो कि वेरिएबल आपका पावर में हो, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल आपका पावर में हो उसको आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, y इज इक्वल टू e की पावर 2x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x log of 2। ये सारे के सारे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। उसके बाद डोमेन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूछी जाए तो वो आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन अगर रेंज पूछी जाए तो वो जीरो से इंफिनिटी है। आपने एक बात याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं आता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। देखो, आप ई की पावर ले लो, माइनस वन ही ले लो, आपके पास आंसर नेगेटिव नहीं आना इसका। ठीक है, आप लेके देख लें, आप ई की जो मर्जी पावर ले लें, जो मर्जी ले लें, जो आप दे रहे हो ना वो आपकी इनपुट, इनपुट का मतलब आपकी डोमेन। यहां मेरे पास लेट सपोज आपके पास है e की पावर x, मैं आपको कह रही हूं x आप जो मर्जी रख लें, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, जीरो रखें, जो मर्जी रखें, इसका मतलब मैं x को कोई भी इनपुट दे सकती हूँ। इसका मतलब मैं पूरी रियल लाइन में से x को कुछ भी रख सकती हूँ, तो फिर मेरी डोमेन जो है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अब आप इसके आंसर्स की तरफ आओ, आप यहाँ नेगेटिव नंबर रखोगे ना आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना, पॉजिटिव ही आएगा। जब आप यहाँ पॉजिटिव नंबर रखोगे ई की पावर में, जब नेगेटिव पे आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा तो पॉजिटिव नंबर रखने से कभी आंसर नेगेटिव आया है?
तब भी नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ x की जगह 0 रख दोगे तो किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1 हो जाता है, और 1 आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, आंसर फिर भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आंसर आपकी रेंज होती है, तो मैंने यहाँ लिखा है रेंज मेरी 0 से इन्फिनिटी जाएगी, और 0 पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया कि 0 शामिल नहीं है, आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा मेरा। अगर आप e की पावर 0 भी रख लोगे ना, तब भी आंसर आपका एटलीस्ट 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज आपके पास होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है जी आपके पास आप फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों 1 नहीं, क्योंकि अगर आप यहां पर 1 रखते हो तो लॉग 1 आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसके साथ लॉग लगा उसको आप कहते हो लॉगरिथमिक फंक्शन। द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज आर, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास जो डोमेन होती है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, डोमेन आपकी 0 से इन्फिनिटी होती है, रेंज आपकी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। आप यूं याद रख लो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, तो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन की ये डोमेन बन जाएगी, यानी एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन है, ठीक है। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम्स द वैल्यू 0, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी 0 नहीं आता। लॉगरिथमिक फंक्शंस आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे का एंटी होते हैं, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट्स कोशेंट्स पावर्स और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई पावर आ रही है, जिसमें आप जैसे लिखते हो x प्लस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 3, ठीक है, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 ओवर 4 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं जिसमें सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट आपके पास पावर्स या स्क्वायर रूट्स भी इवन आ रहे हो, वो सारे के सारे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। और ऐसे फंक्शंस जो अलजेब्रिक नहीं होते उसको आप कहते हो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आपके पास कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आर आल्सो ट्रांसेंडेंटल, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसके साथ अगर आपके पास कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाए, लेट्स सपोज लॉग ऑफ x आ जाए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का, ये भी एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास वो फंक्शन होता है जिसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो कोई, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कोई, ना ही आपके पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है। एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ठीक है। फंक्शन की अगर आप कंपोजिशन निकालते हैं, एफ ऑफ जी निकालते हैं, फिर आप जी ऑफ एफ निकालते हैं, तो ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं होते जनरली। ओके वेट अ मिनट, लेट मी प्लग द चार्जर।
नेक्स्ट आप ये याद रख लें कि कुछ आपके पास टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की। आपके पास एक वर्टिकल शिफ्ट होती है, वर्टिकल शिफ्ट आपके पास या तो अपवर्ड होती है या फिर डाउनवर्ड होती है। अगर आप फंक्शन में सी यूनिट्स ऐड करते हैं तो आपके पास वर्टिकल शिफ्ट आपकी अपवर्ड कहलाएगी, सी यूनिट्स, ठीक है, यानी कि आपका फंक्शन जो है वो सी यूनिट्स अपवर्ड मूव करेगा। अगर आप माइनस करते हैं सी तो आप कहते हो कि आपकी वर्टिकल शिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड कहलाएगी। हॉरिजेंटल शिफ्ट आपके पास क्या है कि अगर आप फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस सी से तो आप कहते हो कि आपकी हॉरिजेंटली लेफ्ट है। अगर आप अपने फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हो एक्स माइनस सी से तो आप उसे कहते हो वो आपके पास हॉरिजेंटली राइट शिफ्ट है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, आपके पास एक रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस है, एक आपके पास रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस है। अगर आप फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसे आप कहते हो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, और अगर आप फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देते हो माइनस एक्स से तो उसे आप कहते हो रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस। उसके बाद आपके पास स्ट्रेचेज एंड कंप्रेशन है। पहले आपके पास है वर्टिकल स्ट्रेच। वर्टिकल स्ट्रेच में आप क्या करते हो, फंक्शन को अपने सी आपके पास कॉन्स्टेंट होता है, वो आपको दिया होता है। वर्टिकल स्ट्रेच में आप अपने फंक्शन को सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्टिकल कंप्रेशन में आप अपने फंक्शन को सी से डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजेंटल कंप्रेशन में आप अपने फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हैं सी एक्स से, और हॉरिजेंटल स्ट्रेच में आप अपने फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स बाय सी से। तो ये चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 2.3 इंपॉर्टेंट है, और 2.3 आपकी सारी इसी टेबल के ऊपर बेस करती है। उसके बाद अगर वो आपको कहता है एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये आपके पास किसके सिमेट्रिक है। आप देखो साइन किसका चेंज हुआ है, वाई वाली का, ठीक है। तो अगर आप वाई का साइन चेंज करते हो और आपके पास वापस आपका फंक्शन ही आ जाता है तो आप कहते हो आपका कर्व आपकी सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ रिप्लेसिंग वाई वाई माइनस वाई प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट इक्वेशन, यानी कि अगर आप सिर्फ y वाली का साइन चेंज करते हो, y की जगह माइनस y लगाते हो। और आपके पास वापस आपका ओरिजिनल फंक्शन ही आ जाता है तो आप कहते हो आपकी कर्व सिमेट्रिक है x एक्सिस के। अब अगर वो ऐसे रट्टा वाली स्टेटमेंट लिख देगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर वो आपको ऐसे लिख दे तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कि f ऑफ x कॉमा माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x y देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट, तो आप यहां से चेक कर लें साइन किसका चेंज किया हुआ, उसमें y वाली का चेंज किया हुआ है ना, तो ये आपके पास फिर x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। या वो अगर आपको कह देता है कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इफ, एक आपको ये ऑप्शन दे दे, दूसरी ऑप्शन आपको दे दे f ऑफ x कॉमा माइनस y इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x कॉमा y, तीसरी ऑप्शन वो आपको दे दे कि f ऑफ माइनस x कॉमा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और चौथी ऑप्शन वो आपको दे दे कि एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और आपसे पूछे कि बताएं इसमें से कौन सी आपको रिप्रेजेंट करती है कि वो आपके पास सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक वाली आपको ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि आप y का साइन चेंज करो आपके पास वापस आपका फंक्शन आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस वाला हो गया, अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस इफ रिप्लेसिंग x बाय माइनस x प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट इक्वेशन, यानी कि अब अगर आप सिर्फ x वाली का साइन चेंज करते हो और आपके पास वापस फंक्शन आ जाए तो ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस के। इसी को ले लें, अगर यहां से आपसे पूछूं कि y एक्सिस के सिमेट्रिक कौन सी इक्वेशन है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक के लिए आपने चेक करना है x वाली का साइन चेंज हो, तो ये देखो x वाली का साइन चेंज है और ये वापस आपके फंक्शन के इक्वल है, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा जो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। A curve is symmetric about origin if replacing x by minus x and y by minus y. यानी कि अगर आप x का साइन चेंज करते हो और साथ ही साथ y का भी साइन चेंज करते हो और आपके पास वापस आपकी इक्वेशन आ जाए तो आप कहते हो कि curve आपकी symmetric है about the origin. ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, दोनों के साइन चेंज है और वापस आपके पास फंक्शन आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी symmetric है about the origin.
उसके बाद एक चीज और है जो आपने अपनी एक्सरसाइज में नहीं पढ़ी थी लेकिन की पॉइंट्स में आपके पास आ रही है. अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन इफ बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय वाई, यानी कि एक्स को वाई के साथ चेंज करो, वाई को एक्स के साथ चेंज करो. और अगर आपके पास सेम इक्वेशन आ जाए तो आप कहते हो कि ये सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन. अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन की बात नहीं हो रही, अब लाइन की बात हो रही है. लेट सपोज इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आपके पास लिखा है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर. यहां पे आप एक्स को रिप्लेस करते हो वाई से, वाई को रिप्लेस करते हो एक्स से. तो देखो आपकी वापस ओरिजिनल इक्वेशन आ गई है. तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है वो आपकी सिमेट्रिक होती है अबाउट द लाइन. अ प्लेन कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो अगर, तो वो फिर आपका कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करती है. नेक्स्ट है जी, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू जीरो. आपसे पूछ सकते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन पे कैसे फाइंड करते हैं. आपको पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेटिंग ग्रेटेस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेटिंग ग्रेटेस्ट डिग्री टर्म इन वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, या तो इस तरह चार ऑप्शंस दे देगा, या यूं कह देगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म्स इन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू, और आगे ऑप्शन होगा जीरो वन माइनस वन इन्फिनिटी. ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं. तो स्टेटमेंट्स को बस ये नहीं कि इसको देख लिया और गुजार दिया, इसको अपने आपने जहन में रखना है. मोर देन वन ब्रांच ऑफ कर्व पासिस थ्रू अ पॉइंट देन द पॉइंट इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट. आपको याद है आपने जब 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 किए हैं उसमें आपके पास लूप्स बन रहे थे, और लूप से कुछ एंड पॉइंट से एक ऊपर को जा रहा था दूसरा नीचे को. यहाँ पे ड्रॉ करने का वो आपको अगर याद हो, जहां आपने नोट पढ़ा था ऐसे करके आप कुछ ड्रॉ करते थे, ऐसे करके आपके पास लूप आता था. ठीक है, आप कहते थे नोड है, तो वो एक ब्रांच उसकी ऐसे आ रही होती थी फिर लूप बनता था, दूसरी ऐसे नीचे को आ रही होती थी. ठीक है, तो उसमें दो ब्रांचेस थी सिर्फ. यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि मतलब आपके पास ऐसे करके बन रही थी ना, ऐसे करके आपके पास लूप आ रहा था, तो ये जो ऐसे करके आ रही थी वो एक ब्रांच थी, फिर यूं लूप बना के आपके पास एक और ऐसे करके ब्रांच आ रही थी. ठीक है, दो ब्रांचेस आ रही थी. वो कह रहा है कि अगर दो से ज्यादा ब्रांचेस हो कर्व की आपके पास एक पॉइंट से पास कर रही, तो उसको आप कहते हो मल्टीपल पॉइंट. अब ये कुछ चीजें हैं जिसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख ले. एक्सरसाइज में आपने ये चीज टेस्ट नहीं सॉल्व की, ये आपका मल्टीपल पॉइंट कहलाता है. ठीक है, अ डबल पॉइंट इज अ पॉइंट थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस थ्रू द सेम पॉइंट. ठीक है, अगर आपके पास दो ब्रांचेस पास कर रही है तो डबल पॉइंट है, और अगर आपके पास दो से ज्यादा ब्रांचेस पास करती है तो उसको आप कहते हो मल्टीपल पॉइंट. मल्टीपल पॉइंट का दूसरा नाम आपके पास है सिंगुलर पॉइंट. मल्टीपल पॉइंट को और क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट. अब सिंगुलर पॉइंट आपके पास दो तीन तरह के होते हैं, या तो कस्प होता है, या नोड होता है, या आइसोलेटेड पॉइंट होता है. ठीक है, नोड का तो आपने 2.4 में डिस्कस भी किया है. अ डबल पॉइंट इज कॉल्ड नोड इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व हैव डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स. अगर दो डिफरेंट टेंजेंट्स आए तो आप कहते हो कि वो नोड है, और अगर सेम टेंजेंट्स आ जाए तो आप कहते हो कि वो कस्प है. ठीक है, और अगर टेंजेंट्स आपके पास रियल आने की बजाय इमेजिनरी आ जाए, वो सेम है या डिफरेंट है ये तो बात की बात है. अगर वो इमेजिनरी आ गए तो वहां पर आपके पास फिर आइसोलेटेड पॉइंट आ जाता है. ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए वहां पर, आपने देखा टेंजेंट आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आ रहा था. ठीक है, x आपके पास एक रियल नंबर है,
प्लस माइनस एक्स आ रहा था, दोनों डिफरेंट है, एक प्लस एक्स है एक माइनस एक्स है, ठीक है, दोनों डिफरेंट आपके पास टेंजेंट्स आ रहे थे, तो आप कह रहे थे कि वो आपके पास नोड है। अगर सेम टेंजेंट आ जाए, यानी कि y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x ही आ जाए, या y इज इक्वल टू 2x और 2x ही आपके पास आ जाए, सेम टेंजेंट्स हो, तो उसको कहते हैं कस्प। और अगर टेंजेंट आपका इमेजिनरी आ जाए, यानी कि उसमें आयोटा आ जाए, तो फिर उसको आप कहते हो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। देखें, मल्टीपल पॉइंट्स तीन तरह के होते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स को ही आप कहते हो सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है, या कस्प होता है, या नोड होता है, या आइसोलेटेड होता है। इसी तरह एसिम्प्टोट्स आपके पास थ्री टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ऑब्लीक एसिम्प्टोट। आपसे पूछा जा सकता है कि एसिम्प्टोट कितनी टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स के हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वो होती है जिसमें आपके पास एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एसिम्प्टोट पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस हो जाए तो उसे आप कहते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट, और ऐसी एसिम्प्टोट जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसको आप कहते हो ऑब्लीक एसिम्प्टोट। उसके बाद अगर आपने वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है, तो आप कैसे निकालते हो, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन वाई टू जीरो, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो आपके पास वाई में है, उसको आप जीरो के इक्वल इक्वेट कर लें, तो वो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म जो आपके पास एक्स में है, उसके कोफिशिएंट को आप जीरो के इक्वल इक्वेट कर लें, तो वहां से आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल जाती है। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, इसका क्या मतलब है, आपको याद हो तो आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि जब आप हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, तो समटाइम्स आपके पास ये आ रहा था वन इज इक्वल टू जीरो, और मैं आपको कह रही थी वन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट या हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगी अगर आप हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, लेकिन उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हुआ तो फिर नहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए उसने लिखा है कि वो कांस्टेंट ना हो उसका कोफिशिएंट। अगर आप वाई के कोफिशिएंट देख रहे हो, तो जैसे आपके पास लिखा होता है एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको जब आप जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे, यहां से आपको एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। वाई के कोफिशिएंट को अगर आप जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। अगर वाई का कोफिशिएंट ही वन हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो फिर वहां से आपको क्या एसिम्प्टोट मिलनी है, कांस्टेंट कभी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं होता। टू चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 2.1 की अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ एफ ऑफ जीरो निकालने को आ सकता है, एफ ऑफ माइनस टू आ सकता है, एफ ऑफ ए आ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह वो यहाँ पे कह दे एफ ऑफ फोर निकालें, तो आप फंक्शन में जहां जहां एक्सेस की जगह फोर निकाल कर उसको सिंप्लीफाई कर लें। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं। ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन आई थिंक सो एमसीक्यू में नहीं आता। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7-12 आपके आ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 13-16 आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है आपके पास, वो आपके पास एक 14 वाला है और एक आपके पास 15 वाला है। ये दोनों आपके पास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, जी माइनस एफ, एफ ओवर जी, एफ ओवर जी, जी ओवर एफ, इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डोमेन और रेंज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं आएगा। सीलिंग फ्लोर फंक्शंस वाले क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, यानी कि 2.1 आपकी कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी चाहिए। 2.2 आपकी ग्राफ वाली है, उसमें ऑब्जेक्टिव में से कुछ नहीं आना। 2.3 की बात करें, तो आपने वो टेबल याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन द वर्टिकल शिफ्ट बाय अ फैक्टर 3 इज, अगर खाली वर्टिकल शिफ्ट पूछ रहा है, खाली वर्टिकल शिफ्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा वर्टिकली अपवर्ड बता दें, आपसे पूछेगा वर्टिकली डाउनवर्ड बता दें, आपको कहेगा फंक्शन ये है इसका वर्टिकल स्ट्रेच बता दें, फंक्शन ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बता दें, फंक्शन ये है इसकी रिफ्लेक्शन बता दें ओवर वाई एक्सिस। तो ये चीजें आपको टेबल याद रख लें, तो आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 सारी उसी टेबल पे बेस करती है।
नेक्स्ट अगर 2.4 की बात करें तो इसमें से आपको बस सिमेट्री का ही पूछा जा सकता है, और वो भी ज्यादातर उसी तरीके से जिस तरह मैंने वो की पॉइंट लिखा है, एफ ओ माइनस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से पूछा जा सकता है। बाकी 2.4 आपकी जो है ना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके लेट्स वेट, यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज मिसिंग है, मैं ओपन कर लूँ वो वाली फाइल, तो फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखें जी, द नेचुरल डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, डोमेन वो होती है जो आप इसको इनपुट दे सको।
कोई ऐसी वैल्यू है जो आप यहाँ पर x की जगह ना रख सको, पूरी रियल लाइन में से आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर है, नेचुरल डोमेन और डोमेन में कोई फर्क नहीं है। द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x इज, इसकी डोमेन अगर आप देखें, यहाँ आप x की जगह सारा कुछ रख सकते हो सवाई जीरो के, क्योंकि अगर आप जीरो रखोगे तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से आप जीरो निकाल दें, ठीक है। उसके बाद उसने कहा रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज, इसकी अगर आप रेंज देखो तो रेंज तो आपके पास कोई भी आ सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ 1 का स्क्वायर आई गेट 1, अगर मैं 0.2 रख लूँ 0.2 का स्क्वायर मेरे पास 0.04 शायद आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ 1/5 रख लेती हूँ x की जगह, 1/5 का स्क्वायर लूंगी 1/25 आएगा, 1 को 25 पे डिवाइड करें कुछ और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपके पास है कि रेंज इसकी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। रेंज आपकी आउटपुट होती है, रेंज आपकी क्या होती है, आउटपुट होती है, आउटपुट आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती, पॉजिटिव नंबर सारे आ सकते हैं। हाँ अगर आप एक्स को जीरो रखो तो आंसर जीरो जरूर आ सकता है, जीरो और जीरो से आगे वाले नंबर्स आपके पास आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर लेट सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पर सेंटर में आपके पास जीरो है, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो के इस तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव नंबर रखते हो, नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर लोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर रखने से भी आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर रखने से भी आंसर पॉजिटिव, जीरो रखोगे तो आंसर जीरो। तो आप देख रहे हो रेंज के आंसर आपके पास यहां से आगे वाले नंबर आ रहे हैं, तो जीरो से इन्फिनिटी आपके पास ये आंसर है, ठीक है, ये आपके पास आंसर है इसका। इन द पॉइंट 2, 3, 2 इज कॉल्ड, 2 को आप कहते हो एब्सिसा, ठीक है। जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहते हो, जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसे आप ऑर्डिनेट कहते हो, ठीक है, याद रखना है 2 एब्सिसा है, 3 ऑर्डिनेट है। उसके बाद ये देखें 2.1 का पहला वाला क्वेश्चन की तरह उसने दिया हुआ है, f of x is equal to -2x - 5, then f of -1 is, तो यहाँ x की जगह -1 रख लें, -2 एज इट इज, x की जगह पर जब आप -1 रखेंगे आगे आपके पास है -5, तो ये -2 -1 -- प्लस हो जाएगा, 2 1s are आपके पास 2 हो जाएगा और आगे लिखा हुआ है -5, तो 2 - 5 करें यू गेट -3, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, f of x is equals to -100, then f of 0 is, फंक्शन में x की जगह 0 रखें, जब यहाँ x ही नहीं है तो 0 कहाँ रखेंगे, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद f of x is equal to x का स्क्वायर प्लस 2, then f of -2 is, तो यहाँ x की जगह आप -2 रख लें, आगे वाला 2 साथ वैसे ही उसको उड़ा नहीं देना, तो -2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 प्लस 2 करेंगे आपके पास आ जाएगा 6। उसके बाद देखो उसने एक फंक्शन दे दिया है, f of x वो कह रहा है x ही है, आप बताओ ये ऑड है इवन है क्या है, तो फंक्शन ऑड है यानी उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप x को रिप्लेस कर देते हो -x से, फंक्शन में x को रिप्लेस कर देते हो -x से, ठीक है। अगर रिप्लेस करने के बाद आपके पास वापस फंक्शन आ जाए नेगेटिव के साथ तो आप कहते हो फंक्शन ऑड है, और अगर यहाँ नेगेटिव ना आए तो आप कहते हो फंक्शन इवन है, यानी कि ये वाला माइनस का साइन अगर ना आए तो फंक्शन इवन, अगर आ जाए तो ऑड। चेक करने का तरीका क्या है, आपने x की जगह -x रखना है, इधर भी -x रख दिया, इधर भी -x, ये माइनस मैंने साइड पे कर लिया, ये x मेरे पास क्या है, x मेरा मेरे पास f of x है, तो मैंने x की जगह f of x लिख दिया, तो ये सारा कुछ करने के बाद ये मेरी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है ऑड के फंक्शन की, तो ये गिवन फंक्शन मेरे पास ऑड है। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन में आप x को रिप्लेस करो -x से, वो ना फंक्शन के बराबर है ना फंक्शन के नेगेटिव के बराबर है, तो फिर वो क्या होगा, जाहिर है ना इवन होगा ना ऑड होगा, ऑड तब होता है जब ये वाली कंडीशन होल्ड करे, इवन तब होता है जब ये वाली कंडीशन होल्ड करे, अगर दोनों ही नहीं होल्ड कर रही तो फिर ना वो इवन है ना वो ऑड है। ग्रेटर
graph of odd function is symmetric with respect to origin, graph of even function is symmetric with respect to y axis. ये 2.1 में आप करके आए हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस जब आपने किए थे तो, ठीक है. ऑड फंक्शन के अगर ग्राफ सिमेट्रिक हो कब होता है, जब वो ओरिजिन के सिमेट्रिक हो. फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन कब होता है, जब वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो. एफ ऑफ एक्स वो कह रहा है माइनस एक्स का स्क्वायर है, आपने बताना है फंक्शन क्या है, इवन है कि ऑड है. तो इवन ऑड चेक करने के लिए आपने एक ही काम करना है, आपने फंक्शन में एक्स की जगह पर रख देना है माइनस एक्स. ये जो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लगा है वो तो वैसे ही रहेगा, आपने एक्स की जगह रख देना है माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर है. अब जब माइनस एक्स का आप स्क्वायर लोगे तो ये आपके पास वापस एक्स का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और ये जो सात माइनस यहां बाहर लिखा हुआ था ये आपके पास सात वैसे ही रहना है, ठीक है. तो ये आपके पास वापस आपका फंक्शन ही आ गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन आपके पास इवन है. उसके बाद फंक्शन एफ माइनस जी हो या एफ प्लस जी हो, उसकी डोमेन आप कैसे निकालते हैं, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी. उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, क्वाइट डिफरेंट. ये उसने क्विट लिख दिया, क्वाइट आना है. एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स आपके पास टू एक्स है, आपने एफ ऑफ जी निकालना है. तो एफ ऑफ जी निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या, आप एफ जी ऑफ एक्स लिखते हो, ठीक है. तो ये एफ वैसे ही जी ऑफ एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी टू एक्स. अब यहां देखो f के साथ x लिखा है, यहां f के साथ 2x लिखा है, यानी कि अब आपने फंक्शन में x की जगह पर 2x लगाना है. तो जब आप यहां फंक्शन में x की जगह पर 2x लगाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है. देखो यहां f ऑफ 2x है, यहां पर आपके पास f ऑफ x है, तो क्या फर्क आ रहा है, x की जगह पर आपके पास 2x लिखा हुआ है. तो मैंने फिर यहाँ पे भी x की जगह पर 2x लगा दिया, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया. अब आप 2 का स्क्वायर लेंगे 4x का स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास 4x स्क्वायर आएगा. f ऑफ x अगर आपके पास माइनस x है और g ऑफ x आपके पास x का स्क्वायर है, तो g ऑफ f ऑफ x निकालना है आपने. अब देखिए अब आपने निकालना है जी ऑफ एफ, तो ये आपके पास होता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब जी आपके पास वैसे ही लिखा रहेगा, यहां पर आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देनी है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स का स्क्वायर है, तो ये मैंने लगा दिया यहां पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है. अब वो कह रहा है जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले, यहां पर जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है. अब आप देखो यहां एक्स लिखा है, यहां क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है. तो जब आप यहां पर एक्स का स्क्वायर रखोगे एक्स की जगह पर, सॉरी एफ ऑफ एक्स आपके पास माइनस एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपके पास माइनस एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स है. अब आप जब जी में माइनस एक्स रखोगे एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर आपने क्या रखना है, माइनस एक्स, ठीक है. तो जब यहां आप माइनस एक्स रखोगे और ऊपर स्क्वायर लोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर अगेन आपके पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा. अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी बी आर फंक्शन सच दैट रेंज इज इक्वल टू सेट बी, इट इज ऑन टू फंक्शन. इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी देन इट इज इन टू फंक्शन. वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज 1-2-1 फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है. ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नेम्ड एज सब्जेक्टिव फंक्शन. अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इज. फंक्शन लीनियर होता है अगर हाईएस्ट पावर 1 हो. फंक्शन क्वाड्रेटिक होता है अगर हाईएस्ट पावर 2 हो. फंक्शन क्वार्टिक होता है अगर हाईएस्ट पावर 4 हो. फंक्शन क्यूबिक होता है अगर हाईएस्ट पावर 3 हो. फंक्शन क्विंटिक होता है अगर हाईएस्ट पावर 5 हो.
तो यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है तो फंक्शन आपके पास क्वार्टिक है, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है तो फंक्शन क्यूबिक है। क्विंटिक फंक्शन वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 5 हो, तो वो यहाँ पर है आपके पास। इफ द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर। ठीक है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 है तो इसकी आप डिग्री बताएं। डिग्री वेरिएबल की होती है, यहाँ एक्स ही नहीं है, 1 किसको कहते हैं, एक्स की पावर 0 को। ठीक है, यहाँ एक्स की पावर 0 है आपके पास, तो फिर डिग्री क्या होगी, 0। जो वेरिएबल की पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, वो डिग्री होती है। तो यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो फिर उसकी हाईएस्ट पावर कहां से आएगी, तो फिर आंसर 0 है। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x² + 1/x³ - 1। इस फंक्शन को आप कहते हो रैशनल फंक्शन, क्योंकि ये p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x log(2), ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि वेरिएबल आपका पावर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास 0 है, -2.1 का उसने पूछा है फ्लोर फंक्शन, तो -2.1 का फ्लोर फंक्शन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही दूसरा नाम है। फ्लोर फंक्शन में आप क्या करते हो, पीछे वाली वैल्यू लेते हो, तो -2.1 से पीछे वाली आपने होल नंबर में वैल्यू लेनी है, पॉइंट्स में नहीं लेनी। -2 से पीछे आपके पास -3 होता है, तो फ्लोर फंक्शन का आंसर -3 है। उसके बाद उसने इसी का सीलिंग पूछा है, ब्रैकेट ऊपर है इसका मतलब सीलिंग निकालना है, ब्रैकेट नीचे है इसका मतलब फ्लोर निकालना है। उसने इसी का सीलिंग पूछा है, तो सीलिंग में आप आगे को जाते हो, -2 से आगे आपके पास -1 होता है, ऐसी है ना, -2 से पहले -1 होता है, -1 से पहले 0 होता है। तो -2.1 का आपके पास सीलिंग फंक्शन क्या होगा, -2 होगा। मैं आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहां आपके पास लेट्स सपोज पड़ा है -2.1 आपके पास आता है -2 और -3 के दरमियान। अगर आपने फ्लोर निकालना है आंसर -3 है, अगर आपने सीलिंग निकालना है तो आंसर -2 है। ठीक है, उसके बाद 1.1 का आपने निकालना है फ्लोर, 1.1 का निकालना है सीलिंग। ये लें जी 1.1 का हम सीलिंग निकालने लगे, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ आपके पास पड़ा है 1.1, 1.1 से आगे आपके पास 2 होता है और 1.1 से पीछे नंबर आपके पास 1 होता है, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान 1.1 आता है। तो जब आपने सीलिंग निकालनी है इसकी तो आंसर आगे को जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आपने इसका फ्लोर निकालना है तो आंसर आपने पीछे को जाना है, तो 1 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3। उसके बाद 2.2 लिखा हुआ है, 2.2 जो है वो 2 और 3 के दरमियान होता है। तो अगर आपने सीलिंग निकालनी है तो आपने आगे को जाना है, तो आंसर 3 आएगा, और अगर आपने फ्लोर निकालना है तो आपने पीछे को जाना है, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, 2.2 जो है वो 2 और 3 के दरमियान होता है, या नेगेटिव नहीं है, 2.2 2 और 3 के दरमियान होता है। तो जब आप सीलिंग निकालोगे आपका आंसर 3 आएगा, जब आप फ्लोर निकालोगे आंसर 2 आएगा। तो 2 + 3 = 5 होता है, और यहाँ ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3.9 का पहले सीलिंग लेना है फिर फ्लोर लेना है। 3.9 जो है वो आपके पास 3 और 4 के दरमियान में आपके पास आता है 3.9। पहले आपने सीलिंग निकालनी है, तो जब सीलिंग निकालोगे आंसर 4 आएगा, और 4 आपके पास ऑलरेडी आपके पास होल नंबर में ही है, ये पॉइंट्स में तो नहीं है। तो जब इस 4 का आप फ्लोर निकालोगे तो आंसर आपके पास 4 ही रहेगा। ठीक है, ये थे जी आपके चैप्टर नंबर 2 के कुछ की पॉइंट्स, और कुछ आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीजें डिस्कस की, कुछ ऑब्जेक्टिव आपके देखे जो आपके एक्सरसाइज में से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको हेल्प आउट हो सकती है एमसीक्यूज में, वो सारी चीजें आज हमने इस लेक्चर में कवर की हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।